आप दोस्तों, हम एक सी ट्रिक आप लोगों को यहाँ शेयर करने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करके आप बड़ी कंपनी कैसे स्थापित करें, उस एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कौन कौन से कागजात लगेंगे, उसका अपना ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितना प्रॉफिट होगा, किस कंपनी से हम बनवाएं, इसको कैसे बेचें, वो कौन सा प्रोडक्ट है, सारी जानकारी यहाँ पे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके आए हैं, नीम फेस वाश। सब लोग जानते हैं, आज मेल फीमेल सब लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। कितनी कंपनियां ऐसी एक प्रोडक्ट से करोड़ों का टर्न ओवर कर रही हैं। तो अगर आप भी प्रोफेशनल बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, आप भी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास पूंजी ज़्यादा नहीं है, एक प्रोडक्ट से लेके मार्केट में लॉन्च करके और अच्छा सा सेल्फ सीख करके बड़ी कंपनी बनाने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे साथ 7 से 8 मिनट का समय दीजिए, हम पूरी डिटेल आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे। हमने 16 पॉइंट बनाया है दोस्तों, यही 16 पॉइंट मेन है आपको प्रोडक्ट मार्केटेड बाय करने में सारी डिटेल्स बताते हैं। वो 16 पॉइंट हम चलते हैं दोस्तों, एक बार पूरा पढ़ देते हैं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट पे आपको बता देते हैं या फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना, जब भी बिजनेस शुरू करना, आपको जो ना समझ में आए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके पूछना, मैं उसकी पूरी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं, नीम फेस वॉश रिक्वायरमेंट पेपर के लिए आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, MSME रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट, ब्रांड नेम प्लस लोगो, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड अदर लाइसेंस, लोकेशन फील्ड सर्वे, इजी ट्रांसपोर्टिंग। तीसरा पॉइंट है शॉप ऑफिस, शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले, लैपटॉप, बिलिंग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर एंड इन्वेस्टमेंट। अब चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, टाइप ऑफ वैरायटी, साइज, नेम फेस ऑफ 25 ml, 50 ml, 100 ml। और छठवां पॉइंट है दोस्तों, प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग डिजाइन। सातवां पॉइंट है प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्वालिटी। आठवां पॉइंट है रॉ मटेरियल, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल। नौवां पॉइंट है टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल्स, नो कम्प्रोमाइज क्वालिटी, टाइम टू टाइम चेंजिंग। दसवां पॉइंट है प्रोडक्ट पैकिंग रूल्स, नेट वेट, बैच नंबर, MRP एंड एक्सपायरी। ग्यारहवां पॉइंट है दोस्तों, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, WHO GMP सर्टिफाइड। बारहवां पॉइंट है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। तेरहवां पॉइंट है दोस्तों, सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान, इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर। चौदहवां पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। पंद्रहवां पॉइंट है दोस्तों, एक्सपीरियंस टीम, लॉन्ग एक्सपीरियंस टीम। और सोलहवां पॉइंट है प्रॉफिट 30% to 80%। अब दोस्तों आपको प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग एंड क्वालिटी दो चीज़ मेन होती है और प्लस एक ब्रांड नेम होना चाहिए। तो आपको तीन चीज़ों पे फोकस करना है, आपको पैकिंग डिजाइन ओके रखना है, नंबर वन रखना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना है, और क्या करना है, समय समय पर चेंजिंग करते रहना है कि और प्रोडक्ट में क्या हो सकता है। अब आपको ब्रांड नेम एक बनाना पड़ेगा, ब्रांड नेम बनाने के लिए आप एक यूनिक सा नाम चॉइस करिए। नाम चॉइस करने के बाद एक उसी नाम का या अपने जो कंपनी लॉन्च कर रहे हैं उस कंपनी नेम का एक लोगो डिजाइन करवाइए, जैसे सब लोग किस पे फोकस करते हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं लोगों के फोकस करती हैं, आप उस लोगो से जान जाते हैं इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, या उस लोगो से आप जान जाते हैं ये प्रोडक्ट है। तो आपको लोगो और नेम यूनिक सा होना चाहिए, फिर उसका आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए, कहीं काल का आपका प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो गया, ब्रांड लेवल हो गया, वर्ल्ड लेवल का हो गया, तो कोई और कॉपीराइट ना कर ले, उस नाम से ना रख पाए, तो ट्रेडमार्क जब आप करवा लेंगे दोस्तों, उस नाम से कोई और पूरे इंडिया में नाम नहीं रख सकता है, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकती है। अगर आपको बड़े लेवल पर करना है तो थर्ड पार्टी मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे करवा सकते हैं। अब आप जहाँ पे दोस्तों ऑफिस डालेंगे, लोकेशन थोड़ा सा अच्छा हो, इजी ट्रांसपोर्टिंग हो, और एक शॉप नेम आपको रखना पड़ेगा जहाँ पे आपके यानी कि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी वाले या जो आपके एम्प्लॉई हैं, जहाँ से आप माल को इधर उधर
घर भेजेंगे, उसके लिए आप ऑफिस डिजाइन कर लीजिएगा अपने ढंग से, डिस्प्ले लुक अच्छा होना चाहिए। अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा और बिलिंग सॉफ्टवेयर बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जाइए, प्रोडक्ट की पैकिंग पे जाइए। प्रोडक्ट क्या है आपका? नीम फेस ऑफ है, 25 ml, 50 ml, 100 ml, कितने में आप लॉन्च करना चाहते हैं, आप इसके लिए मार्केट का सर्वे करेंगे। मार्केट का सर्वे करने के बाद ये देखेंगे 25 ml का, 50 ml का, किस ml में ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास दोनों का ज़्यादा डिमांड है तो दोनों लॉन्च करेंगे, अगर आपके पास बजट है। नहीं बजट है तो जिस ml में, यानी 25 ml का ज़्यादा डिमांड है तो 25, 50 ml का ज़्यादा डिमांड है तो 50, जिसका ज़्यादा डिमांड है एक साइज़ का आप लॉन्च कर सकते हैं। और जो आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग है वो दोस्तों 4-5 कंपनियां जो ज़्यादा मार्केट में बिक रही उनकी पैकिंग वगैरह देख लेना, उनसे आप डिफरेंट हट गए, उनसे अलग अच्छी सी डिजाइन करवाना, उसी डिजाइन से प्रोडक्ट की पहचान होगी। हम आप मार्केट में लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमको जिसका अट्रैक्टिव देखने में डिजाइन पैकिंग लगता वही हम खरीदते हैं, क्वालिटी तो बाद में पता चलती है। तो इसलिए प्रोडक्ट की पैकिंग से आप कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब बात आती है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी से दोस्तों कभी समझौता नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी फ्लॉप नहीं होगा। हाँ, कस्टमर ट्रस्ट करने में समय लगेगा, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होता चला जाएगा। अब प्रोडक्ट की पैकिंग हो गया, क्वालिटी हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको उसके जो MRP वगैरह होती है दोस्तों ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने आप प्रिंट कर देती है, जो भी पैकेजिंग रूल रेगुलेशन होते हैं उस हिसाब से वो कर देगी, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको चॉइस करना है हम किस कंपनी से बनवाएं, इसके लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो हैं दोस्तों उनका चुनाव करने के लिए आप WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए, उन्हीं से आप प्रोडक्ट बनवाइए। जिनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो उनसे बनवाएंगे तो आपकी क्वालिटी बेस्ट आएगी, उसमें आप समझौता नहीं करेंगे। अब आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांडिंग करने के लिए आप पंपलेट, गूगल मीडिया यानी सोशल मीडिया, जो कुछ भी जितना भी आप हथकड़ी अपनाने हो आप हथकड़ी अपनाइए, अपने ब्रांड को पॉपुलर कीजिए। जितने आप अपना ब्रांड पॉपुलर करेंगे, आपका लोगो पॉपुलर होगा, उतने आपकी पहचान बनेगी कि ये भी कोई ब्रांड है। अब प्राइस दोस्तों आप अपने हिसाब से रखिएगा, 4-5 कंपनियों का सर्वे कर लेना, इस प्राइस में इतने ml में बिक रहा है उतना ही रखना, बहुत ज़्यादा दाम वगैरह मत रखना। हम अब सिर्फ की बात आ गई, सिर्फ दो तरीके से होते थे पहले दोस्तों, सिर्फ टीम द्वारा और ऑफलाइन, जैसे एजेंसी दे करके, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बना करके। लेकिन आज तीसरा एक सबसे ज़बरदस्त हथियार हमारे पास क्या है, ऑनलाइन का। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, आप सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपनी लॉगिन आईडी बना दीजिए, अपने प्रोडक्ट की लॉगिन आईडी बना दीजिए और उस पर बेच दीजिए। ई कॉमर्स कंपनियों में हम कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख करके आप ई कॉमर्स कंपनियों पे लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि 80 से 90% लोग ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं। अब हम दोस्तों इसमें सेल्फ टीम के द्वारा अगर आप कर रहे हैं तो आप बेस्ट, यानी जो लांग इस क्षेत्र में 8 से 10 साल से जिसके पास अनुभव है, सेल्फ का अनुभव है, उसको अगर आप हायर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट दोस्तों बिकने लगेगा तुरंत से। हाँ, जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है, जब आप उनको ज़्यादा सैलरी देंगे तब वो आपके कंपनी में आएंगे, लेकिन ज़्यादा सैलरी जो देंगे उससे ज़्यादा सेल हो जाएगा। अब हम इसमें प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, सारे खर्चे काटने के बाद 30 से 80% आपका प्रॉफिट होगा। अगर ये खुद आप अपना बेचते हैं तो जितने में बनवा रहे हैं उससे 2 से 3 गुने में आप बेच सकते हैं। अब आप रहे पे हम रेट इसलिए नहीं खोलेंगे दोस्तों, ये प्राइवेसी होती है। जब आप जाएंगे थर्ड पार्टी बनवाने के लिए तो सारी कंपनियां कितने में बनेगा, क्या कॉस्ट आएगा, सब कुछ वो आपसे बता देगी। कंपनी कैसे खोजे, इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे डालिए थर्ड पार्टी WHO GMP सर्टिफाइड आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारे कंपनियों के लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप वहाँ विजिट करिए, उनके टर्म कंडीशन, रूल रेगुलेशन सब कुछ देखिए, बात करिए, 2-3 कंपनियों में विजिट करिए, जिस कंपनी का रेट अच्छा हो, जिसके पास अच्छी अच्छी कंपनियाँ ऑलरेडी पहले से प्रोडक्ट बनवा रही हैं, उन्हीं से आप बनवाइए और फैसला
फिक्स कर दीजिए। तो जब भी आप जिस दिन उनसे डिसाइड कर देंगे उससे मतलब कुछ कंपनियां 30 दिन लेती हैं, कुछ कंपनियां 45 दिन लेने के बाद बना बनाया माल आपके ऑफिस में आ जाएगा दोस्तों। फिर अगली बार जब बनवाएंगे तो वहाँ 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है। इसलिए आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, अब आप इसको मार्केट में बेचिए, सेल्फ करने की सलाह सीखिए। उसके बाद दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोडक्ट ऐड करते हुए जाएंगे, तो जब सीढ़ी एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए जाएंगे तो आप कभी भी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। और दोस्तों कभी भी सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्स की कला, तो यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करके सेल्स की कला सीख रहे हैं। इसमें आपका क्या डूबेगा? कुछ नहीं डूबेगा। आप कोई न मशीन लगा रहे हैं, कुछ न कुछ सब कुछ ऑलरेडी आप बनवा रहे हैं। तो जब भी ये प्रोडक्ट, जैसे आपने 1 लाख का प्रोडक्ट बनवाया, 50,000 का प्रोडक्ट बनवाया, जब भी आप इसको बेचना चाहेंगे मार्केट में, जितने में आपने बनवाया है उतने में प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हम ऐसे ऐसे ही कॉन्टेंट आप लोगों को बताते हैं, बिजनेस करने की पूरी तकनीक बताते हैं, छोटी सी छोटी जानकारी शेयर करते हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं आपको बता दें कि इसको आप मशीनरी डाल दीजिए, ये फैक्ट्री डाल दीजिए, इतना पैसा कमा लेंगे। कहाँ से कमा लेंगे? सबसे ज़्यादा तो जो दिक्कत आती है वो सेल्फ में आती है। तो आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करके सेल्स की कला सीख लीजिए, मार्केट की बारीकियाँ सीख लीजिए, फिर आप मैनुफैक्चरिंग यूनिट डालिए, तो आप कभी नहीं फ्लॉप होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाए बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। आया जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करना, आप कमेंट बॉक्स में जाना दोस्तों, आप जो भी जानकारी चाहिए मैं वो जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बिजनेस आपका ग्रो करने में, बिजनेस आपको खड़ा करने में मैं पूरा प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, इसी तरह से हम और कंटेंट बनाते रहें आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक तो कर ही दिया होगा, आपने जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।